देश के हापुड़ में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। प्रदेश के हापुड़ में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मासूम की जान चली गई। ढाई माह के बच्चे की मौत के कारण हॉस्पिटल में हंगामा हुआ। शुभम हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन बंसल ने अभद्रता भी की है। मृतक बच्चे के परिवार से गाली गलौज की गई है, तो वहीं कवरेज करने गए रिपोर्टर का फोन छेड़कर तोड़ने की भी कोशिश की गई है। हापुड़ के कोतवाली नगर में स्थित शुभम हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। बच्चों की मौत के कारण आए दिन यह हॉस्पिटल सुर्खियों में रहता है। पुलिस के सामने भी डॉक्टर सचिन बंसल ने अभद्रता करते हुए नजर आए। पुलिस ने समझा बजाकर मामला शांत कराया है, तो वहीं आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पीड़ित को थाने बुलाया गया है। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वहीं जनपद हापुड़ में एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है, जहां ढाई माह के बच्चे को डॉक्टर की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद उसके परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल है जिसमें ढाई माह के बच्चे को इलाज सही ना मिल पाने के कारण व डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप भी यह लगाए हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बोल रहा था। यहां तक कि उन्होंने कवरेज करने गए एक रिपोर्टर का कैमरा छीनने की भी कोशिश की, उसे तोड़ने की भी कोशिश की है, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही बदतमीज बताया जा रहा है। पहले भी उसके हॉस्पिटल में ऐसे कई बार केस हो चुके हैं। खबर एक्सपर्ट के लिए सचिन सिंह, हापुड़।